असम मिजोरम बॉर्डर पर फायरिंग हुई, जमीन विवाद में दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिक भिड़े, आंसू गैस और लाठियां चली। असम के सीएम बोले, हमारे 6 जवान मारे गए, नजारा ऐसा था जैसे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया हो। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज। तो आइए जानते हैं पहले मामला क्या है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के ठीक एक दिन बाद सोमवार को असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का मुद्दा भड़क उठा। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प हुई, दोनों तरफ से पहले लाठियां चली। मामला बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, इस बीच फायरिंग भी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया कि फायरिंग में असम के 6 जवानों की मौत हो गई है। वहीं कछार जिले के एसपी वैभव निम्बालकर चंदकार घायल हो गए। दोनों तरफ से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इधर असम पुलिस ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मिजोरम से कुछ असामाजिक तत्व असम के सरकारी अधिकारियों पर पथराव कर रहे हैं। ये अधिकारी लैलापुर में राज्य की जमीन की अतिक्रमण से रक्षा करने के लिए तैनात हैं। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद उपजा जब असम पुलिस ने अपनी जमीन पर कथित तौर पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया। 10 जुलाई को जब असम सरकार की टीम मौके पर गई तो उस पर अज्ञात लोगों ने आईईडी से हमला कर दिया। इसके बाद यहां विवाद बढ़ गया और दोनों तरफ से पुलिस तैनात कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले ही नॉर्थ ईस्ट राज्यों की मुख्यमंत्रियों के साथ सीमा विवाद को लेकर शिलोंग में मीटिंग की थी। इसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख शामिल हुए थे। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।